देखो आप, ये एक रिंग है, करंट कैरिंग लूप है, ठीक है ना, वही रिंग है, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सेस पर फील्ड लिखा था, तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सेस पर फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की एक्सेस पर फील्ड इंटेंसिटी बताओ कितनी होती है? एक हाँ, की वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो अब आपका यही रिंग है, तो रिंग की एक्सेस पर फील्ड कितना होता है? दोनों एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होने वाला, ठीक है। तो देखो, रिंग की एग, ये बोर्ड में भी आता है, बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, आपकी ये रिंग है, तो ये मैं अभी बाहर की तरफ वाला पार्ट है, डॉटेड वाला अंदर की तरफ पार्ट, ठीक है ना। तो मैं दो एलिमेंट, बिल्कुल वैसे दो एलिमेंट मानूंगा, बट थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें इतनी सीधी डायरेक्शन नहीं दिखेगी। ये डीएल वेक्टर को मैं डॉट बोल सकता हूँ क्या बेटा, बताइए? यहाँ पर ये डीएल वेक्टर डॉट बोल सकते हैं क्या? ये रिंग समझ रहे हैं कैसी है? इस प्लेन से ऊपर बाहर की तरफ आ रहा है और नीचे वाला पार्ट अंदर जा रहा है, सेंटर आपका स्क्रीन के प्लेन पर, ठीक है। इस रिंग का सेंटर स्क्रीन के प्लेन पर है, और उससे सेंटर से पास होने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाली एक्सिस है, जहां पर किसी पॉइंट पी पर, जो कि सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर है, आपको फील इंटेंसिटी लिखनी है। तो अगेन, वो रिंग बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, तो ये दो एलिमेंट माने, जिसमें कि डायरेक्शन में डॉट बोल रहा हूँ, ये आपकी तरफ वाला पार्ट है, तो करंट ऐसे घूम के फिर प्लेन को, स्क्रीन के प्लेन को क्रॉस करती हुई अंदर जाएगी, तो यहाँ पर मैं डायरेक्शन क्रॉस बोल सकता हूँ क्या? बताइए बेटा, ये बात समझ पा रहे हैं? प्लेन के बाहर बाहर की तरफ आना स्क्रीन के प्लेन से, और फिर स्क्रीन के प्लेन के अंदर जाना। नमन बताइए, डाउट है क्या इसमें कोई? नहीं सर, क्लियर है। है ना, तो इसका डीएल वेक्टर बाहर की तरफ है, आर वेक्टर ये हो गया इस पॉइंट का, तो डीएल क्रॉस आर, दिक्कत है कोई? डीएल वेक्टर डॉट है, आर वेक्टर, बेटा स्क्रीन पे भी फटाफट प्रैक्टिस होनी चाहिए, बहुत जल्दी आना चाहिए। डीएल क्रॉस आर किधर आएगा बताओ? डीएल क्रॉस आर किधर आ रहा है? इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, ये डॉट आपका डीएल वेक्टर है, तो डीएल क्रॉस आर इधर आएगा कि नहीं आएगा? डीएल और यस आर सर, हाँ को कंटेन करने वाले प्लेन के, तो इस एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर फील इंटेंसिटी की डायरेक्शन किधर आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी। बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? इस डीएल वेक्टर की वजह से पी पॉइंट पर फील इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर आ गई, और ये आपका अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये क्रॉस है, तो ये आपका, देखो इस तरह से बना लिया करो टेल सेम पॉइंट करके, बहुत जल्दी डायरेक्शन आ जाती है, ठीक है। तो ये आपका डीएल क्रॉस आ रहा है इसमें, तो इस एलिमेंट की वजह से ये हो गया डीबी वेक्टर। बताइए बेटा, इन दोनों सिमेट्रिक एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्लियर है क्या आपको? ये डॉट है, तो इसकी वजह से इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। ये आपका क्रॉस है, स्क्रीन के प्लेन के अंदर जाता हुआ इस पॉइंट पर, तो डीएल क्रॉस आर की वजह से इस डायरेक्शन में। डीबी वेक्टर, ये एंगल अगर फाई है, तो ये 90-5, ये हो जाएगा फाई, ठीक है। ये फाई है, 90-5, तो ये हो जाएगा फाई। अब आप देखो, ये डीबी कॉस फाई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बोली, डीबी कॉस फाई वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए कि नहीं? कौन सा बच गया? डीबी साइन फाई वाले कंपोनेंट, ठीक है। तो जब आप पहले तो मैग्नीट्यूड लिखे अलग अलग डायरेक्शन में सबकी वजह से, तो पहले तो मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी वैक्टर लिखेंगे। पहले यहां तक बताइए, कोई डायरेक्शन डीबी वैक्टर्स में तो कंफ्यूजन नहीं है किसी को? अर्नव आप बताइए बेटा, डीबी वैक्टर्स में तो कंफ्यूजन नहीं है आपको? सर, ओके, तो अब आगे चलते हैं अपन। डीबी वेक्टर्स की जगह आपने डीबी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया, म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर, तो ये डीएल वेक्टर आर वेक्टर में 90 डिग्री क्लियरली दिख रहा है आपको यहाँ से, तो आई डीएल इंटू आर साइन 90 डिवाइडेड बाई 4 पाई आर क्यूब, बायो सावर्ट्स लॉ यूज कर रहे हैं इस एलिमेंट के लिए, तो इस एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर फील इंटेंसिटी ऐसे लिखी जाएगी, तो ये कितना बच गया? म्यू नॉट आई डीएल पाई आर स्क्वायर। अब सेकेंड स्टेप, डीबी लिख दिया आपने, अब डीबी वेक्टर लिखिए, तो डीबी कॉस फाई जे कैप प्लस डीबी साइन फाई आई कैप लिखा जाएगा, ठीक है ना। डीबी कॉस फाई जे कैप प्लस डीबी साइन फाई आई कैप, तो फिर आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे इसको, ठीक है ना। इंटीग्रेट करोगे तो ये कॉस फाई वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं? जस्ट आप लिख दोगे सिमेट्री की वजह से, एक एलिमेंट है तो दूसरा पक्का होगा, कॉस फाई वाले कट गए, क्या बचा? इंटीग्रेशन डीबी साइन फाई, और डीबी की जगह ये वैल्यू उठा के रख दो आप, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साइन फाई, तो ये आपके कॉन्स्टेंट सारे बाहर चले गए। इंटीग्रेशन डीएल मतलब सारे डीएल्स का एडिशन, तो क्या निकल के आएगा? 2 पाई आर निकल के आएगा क्या बेटा, बताना एक बार? अरे क्या हो गया, रिपीट कर दिया हमने।
इस डीएल की जगह क्या है, देखो सारे कांस्टेंट है ना, डीएल में फाई और ये सब देखे तो वही रहेगा, पूरे रिंग है तो आप समझ रहे हो ना, कोन, कोनिकल स्ट्रक्चर पूरी, तो ये पूरा बेस है एक तरह से, बेस की सिरकमफ्रेंस कोन के, तो ये फाई एंगल कांस्टेंट रहेगा कि नहीं सारे एलिमेंट्स के लिए, तो फाई और बाकी सारी चीजें सेम में बाहर आ गए, इंटीग्रेशन डीएल क्या बन गया, सारे डीएल्स का एडिशन, पूरी रिंग की लेंथ बन जाएगी, तो ये आ गया आपका 2 पाई आर, ठीक है। तो अब आप ये आ जाएगा आपका, बस इसकी जगह साइन फाई की जगह पे रख दिया मैंने, साइन फाई है कैपिटल आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फार्मूला मत भूलिएगा, जितना आपको रिंग का याद है, रिंग के एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी का, बिल्कुल उसी तरह से एक यूनिफॉर्म रिंग है, ठीक है, उसकी रिंग की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का भी एकदम याद कर लेना है आज से, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 x² + r² 3/2, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, क्लियर है आपको बिल्कुल, ये कोई डाउट तो नहीं है किसी को, बताइए डेरिवेशन। बोलते नहीं, इसका मैक्सिमम देख लो अभी कहाँ पर होगा, नेक्स्ट प्लॉट ही बनवाता हूँ, तो ऊपर एक्स नहीं है ना इसमें, इसमें ऊपर तो एक्स है नहीं, केवल एक्स वेरिएबल यहाँ पर है, ठीक है, तो यस ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, ये जब जब एक्स स्क्वायर मिनिमम, देख रहे हो बेटा ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब एक्स स्क्वायर मिनिमम, एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 ही तो इसमें मैक्सिमम कहाँ पर होगा, 0 पर, और यस बाकी फिर और जीरो चीजें पे देखो आप, dv/dx निकालो तो एक्स इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, बाकी कहीं भी 0 नहीं आएगा, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 जा रहा है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 जा रहा है, बताइए। सर ठीक है, तो ये एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 जा रहा है, तो ठीक है आपका 0 पर जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे भी 0 जा रहा है, तो ऐसा प्लॉट आएगा बेटा, देखो इसमें डायरेक्शन तो हमेशा पूरी एक्सिस पर सेम रहती है, ठीक है, तो ये कैसे ध्यान रखोगे आप, ये तो भूल जाओगे आप, तो तरीका इसका भी मैं और आगे भी और सिखाऊंगा आपको, परफेक्ट कर दूंगा, कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है ना, कि अगर इस तरह की आई है तो आपका किसी साइड तो एम वेक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, और मैंने कहा ना आपको ये रिंग क्या है, किसके इक्विवेलेंट है, एम वेक्टर के इक्विवेलेंट, तो ये बताओ मुझे पी वेक्टर जो होता था उसमें पूरी एक्सिस पर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन पी वेक्टर के अलोंग ही होती थी क्या, बताओ आ यस रही है कि नहीं, पी वेक्टर के अलोंग ही होती थी ना हर पॉइंट पर डायरेक्शन, तो इसमें ऐसा है कि अगर आप इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसी है, ये एम वेक्टर मतलब जिधर से करंट एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है उधर एम वेक्टर बनेगा, और पूरी एक्सिस पर डायरेक्शन उधर ही होगी बेटा, इसमें ऐसा नहीं होगा कि इस साइड वाले पॉइंट पे इधर आ जाए, क्लियर है, तो इसलिए मैंने इसका यहाँ पर साइन चेंज नहीं किया, तो प्लॉट बिल्कुल ऐसा आएगा, ये प्लॉट भी पूछा जा सकता है, बहुत रेयर है, पूछते नहीं, बट आपको बता दिया, ठीक है, कि रिंग की एक्सेस पर जो फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो एक्स इक्वल टू 0 पर ही मैक्सिमम, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 माइनस, और ये डायरेक्शन पूरे पर पॉजिटिव रहेगी अगर पॉजिटिव है तो, या फिर पूरा प्लॉट ही नीचे आ जाएगा अगर नेगेटिव है तो, पूरी एक्सिस पर नेगेटिव रहेगी, ठीक है, क्लियर है, और अब आप वो देख लो जो मैं आपको कहता आ रहा हूँ कि अगर एक्स की वैल्यू आर से बहुत ज्यादा है, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर आर से बहुत ज्यादा है तो ये एक्सप्रेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा, देखो बोर्ड में ध्यान रखना है, क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं कई बार, ये पूछते हैं डिराइव करके थक जाते हैं उसको, फिर वो ध्यान ही नहीं रहता है कि सेकंड पार्ट उसने बोला है कि प्लीज इसको बताइए, आप शो करिए कि दिस विल बी इक्विवेलेंट टू ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको ये आगे भी करना पड़ेगा कि एक्स की वैल्यू इज मच लार्जर देन कैपिटल आर, एक्स इज मच मच लार्जर देन कैपिटल आर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब आ जाएगा, तो म्यू ये नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन ठीक 2 x³, और 4 पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखो उसमें रिड्यूस होने लग जाएगा ये 2 × μ0 4π / m/x³, ठीक है ना, तो ये सारे इक्विवेलेंस के रिलेशन में एक साथ लिखाऊंगा, बट नेक्स्ट उसमें लिखाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में बार मैग्नेट से, क्योंकि बार मैग्नेट कुछ नहीं है, वो एक एम वेक्टर ही होगा हमारे, ठीक है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही होगा, तो जो पी वेक्टर के फार्मूले थे सारे बार मैग्नेट पे लग जाते, तो बस आप ध्यान रखेंगे इस तरह के कंपैरिजन कई जगह आएंगे, तो के किससे रिप्लेस होता है, केवल म्यू नॉट से रिप्लेस नहीं होता, म्यू नॉट अपॉन 4π से रिप्लेस होता, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का था 2 kp/x³, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम वेक्टर का हो गया आपका 2 μ0 / 4π / m/x³, तो इसलिए अब मान लिया गया कि करंट कैरिंग लूप विल बिहेव लाइक एम वेक्टर,
अगर आपका एम वेक्टर इधर है तो पूरी एक्सिस पर डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की वही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मत कर देना फिर, कहना इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इस साइड इधर आ जाता तो इसके इधर फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। क्लियर है आपको पूरी कहानी? क्लियर है क्या बेटा इसकी, करंट कैरिंग लूप की? तो यस सर। आपने इतनी बात सुन ली है तो इसकी फील्ड लाइंस भी देख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती। एक्सिस पर तो इसी तरह की होंगी बट यहाँ पे इस फॉर्म में होती, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल बेटा क्लोज लूप में पाई जाती है, कोई दिक्कत नहीं है इनके क्लोज लूप, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी कहती हैं क्लोज लूप में पाई जाती है, फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग लूप, ठीक है। तो ये आपकी क्लोज लूप ही बन रही है, तो करंट कैरिंग लूप की फील्ड लाइंस का ये बेसिक प्लॉट आपके दिमाग में थोड़ा सा रहना चाहिए। एक्सिस पर तो एक्सिस के अलोंग ही है, बट ऊपर जाओगे तो कर्व्ड होती है। आप कैसे, इसको तरीका कोई है नहीं निकालने का, ठीक है, जस्ट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, तो वो आप देख सकते हैं इस तरह की। आप केवल एक्सिस पर ही निकाल सकते हैं, बाकी कहीं भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। क्लियर है? तो अब हम थोड़ा सा इसमें सेंटर पे भी निकालेंगे इसको, बट यहाँ तक कोई डाउट तो बताइए किसी को। ये डेरिवेशन क्लियर है, और फिर इसका कंपेरिजन, फिर कभी फील्ड लाइन ड्रॉ करने को बोलते तो भी ड्रॉ कर सकते, ठीक है। तो डायरेक्शन एक्सिस पर क्या होगी, हमेशा एम वेक्टर देख लो कैसा बन रहा है, मतलब किस डायरेक्शन से, किस साइड से इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है आपको, पहले वो एम वेक्टर बना लो, ठीक है, फिर आप डायरेक्शन पूरी एक्सिस पर क्लियरली बता सकते हैं, ठीक है बेटा। एकदम बात क्लियर है यहाँ तक सब बच्चों को?